नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको माइक्रोमीटर के विभिन्न पार्टों की जानकारी वीडियो के माध्यम से दी थी। आज उसी वीडियो का ये मैं अगला भाग बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग किसी भी पार्ट की डायमेंशनिंग कैसे लेते हैं और उसकी रीडिंग को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसकी रेंज 0 से 25 mm तक की ये रीडिंग को ले सकता है, और ये ऊपर इसका लीस्ट काउंट लिखा है 0.01 mm। इसकी रेंज हमारी 0 टू 25 mm की है और इसमें इसकी रेंज लिखी हुई भी है। आज मैं आपको एक बार और रिव्यू कर देता हूँ इसके कुछ पार्ट्स के बारे में। ये जो आपको ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है ये हमारा फ्रेम होता है, और ये जो आपको रॉड दिख रही है ये हमारा स्पिंडल कहलाता है। स्पिंडल से ये देखिए इधर से लगभग 5 mm 7 mm बाहर निकला हुआ एक हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा एनविल कहलाता है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो ये हमारा लॉक नट है, और लॉक नट के आगे ये जो हमारा हिस्सा दिख रहा है इसको हम स्लीप बोलते हैं। स्लीप में आपको कुछ रीडिंग दिख रही होगी 0, 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये 0 से लेकर के 25 mm तक इसमें रीडिंग लिखी है, और इसका प्रत्येक खाने का मान 1 mm है। इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाली लाइन्स को जो रीडिंग्स लिखी हैं, इसको मेन डिवीज़न बोला जाता है। और इसी के बीच में एक लाइन गई है और नीचे से कुछ लाइनें आपको दिख रही हैं। ये लाइनें 0 से 1 mm के बीच में बनी हुई है, तो ये अगर हम 0 से 0.5 mm अगर हमें मेजरमेंट लेनी तो हमें इस लाइन तक मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, और 1 mm इस लाइन तक और अगली 0.5 mm, तो ये प्रत्येक 1 mm को 0.5 mm में बांट रही है। अब अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये हमारा थिम्बल है, और थिम्बल में हमारी 0 से लेकर के 45, 46, 47, 48, 49, 50 इसमें 0 टू 50 खाने होते हैं, और इसके प्रत्येक खाने का मान 0.01 mm होता है, जो कि इस हमारे आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट भी होता है। इसी थिम्बल के आगे वाले भाग को नर्लिंग किया हुआ है, और ये पीछे वाला सबसे जो हिस्सा है इसको हम लोग रैचेट स्टॉक बोलते हैं। इसका काम होता है कि जब भी हम आउटसाइड माइक्रोमीटर में किसी पार्ट की रीडिंग लेते हैं तो एक यूनिवर्सल प्रेशर को हम इसी रैचेट स्टॉक के द्वारा ही देते हैं। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम एनविल और स्पिंडल के बीच में एक जॉब को लगा देते हैं, और इस जॉब को लगाने के बाद हम लॉक नट को टाइट कर देंगे, और उसके बाद हम अपने जॉब को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम रीडिंग को पढ़ेंगे। अब हम इसकी रीडिंग को देख लेते हैं कि इसकी रीडिंग को हम कैसे ले सकते हैं। तो इसकी रीडिंग्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एंड डिवीजन में मेन स्केल में कितने खाने ये ओपन है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके 7 खाने हमें पूरे दिख रहे हैं, और एक सब डिवीज़न नीचे का खाना हमें दिख रहा है। तो हम मेन स्केल की रीडिंग को लिख लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग हमारी है 7 और एक सब डिवीज़न 7.0 mm, सब डिवीज़न 0.5 mm।
अब हम इसके बाद थिम्बल स्केल की रीडिंग को देख लेते हैं कि हमारी डेटम लाइन से कौन सी लाइन इसकी मैच खा रही है। तो ये 30 है, 31, 32 और ये 33, और इसके एक खाने का मान मैंने आपको बताया था 0.01 mm होता है। तो ये कितना है, 30, 31, 32, 33। तो थिम्बल स्केल में हम लोग लिख लेते हैं, थिम्बल स्केल रीडिंग है हमारी 33.0। अब अगर इसमें हम 0.01 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे 33 खानों का मान निकल आएगा। तो इसमें गुणा कर देते हैं, कितना, 0.01। तो ये कितना हो जाएगा, 0.33। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 7.5.33। तो इसका कितना आ जाएगा कैलकुलेशन, 3.8.7। तो इसकी रीडिंग हमारी आ गई है 7.83 mm। इसी तरह से हम इसकी अन्य रीडिंग्स को भी निकाल सकते हैं।